इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैप्टन विरोधी कैंप में चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हैं। उन्होंने भी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जेड़े वादियां दे विच विरोधियों के नाल टकराव होंदा है वो साढ़े उस तरह ही खड़े है। खास तौर पर बरगाड़ी का मसला, नशियां का मसला, नशियां के सौदागरां नूं फड़ना एक मसला है। इस तरह बिजली के समझौतियां का मसला, बसां का मसला, केबल नैटवर्क का मसला, रेते का मसला, तो दलित मुद्दे जिन्हां ते कार्रवाई नहीं हो रही उदे करके अज असी इकट्ठे होए हैं। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजय इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, कैप्टन खेमे के खिलाफ बगावत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच कुछ नेताओं के यू टर्न का दावा कैप्टन खेमा कर रहा है, इस दावे की क्या सच्चाई है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से आपको एक नोट जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि जिसमें 6 विधायक और एक पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, वो यू टर्न ले गए हैं। और इसमें जो लुधियाना के एक विधायक उनकी तरफ से ये इसमें प्रेस नोट में कहा गया है कि वहां पे मीटिंग में वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन जब वहां पर उनको बात पता चली तो वो हैरान हो गए। तो कहीं ना कहीं ये एक बात बताने की कोशिश जो है वो अमरिंदर सिंह खेमे की तरफ से की गई है कि कई विधायकों को इस मीटिंग का अंदाजा ही नहीं था कि वहां क्या होने वाला है, और जब वे विधायक वहां पहुंचते हैं तब उन्हें पता लगता है और इसलिए वो इस बात से खफा चल रहे हैं। ये एक मैसेज देने की कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोशिश जो है यहां पर की गई है। लेकिन बहरहाल अभी जो अपडेट ये आ रही है कि 4 मंत्री जो है और 3 विधायक वो देहरादून पहुंचे हैं और वहां पर वो हरीश रावत से अपनी बात करेंगे, उनके आगे अपनी पूरी मांग रखेंगे, उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे देहरादून में, क्योंकि हरीश रावत जो है वो पंजाब प्रभारी हैं। पहले उनको चंडीगढ़ में आना था लेकिन वो चंडीगढ़ में नहीं आ पाए और अब वो देहरादून में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और इनमें जो 4 मंत्रियों में जो नाम है जिसमें तृप्त रजिंदर बाजवा प्रमुख हैं, उसके अलावा सुखजिंदर रंधावा हैं, सुख सरकारिया हैं और चरणजीत सिंह चन्नी है, और उसके अलावा जो 5वें विधायक है प्रगट सिंह, इन 5ों का तो ऑफिशियल टूर जो है ये कमेटी जो बनाई गई थी कल वो है, और 2 विधायक जो है जिसमें कुलबीर सिंह जीरा और वीर इंद्र सिंह पहाड़ा जो है ये भी दोनों विधायक साथ में गए हैं। हालांकि मीटिंग जो है ये 5 लोगों की होगी और यहाँ वहां पर अब क्या आज सबसे बड़ी बात है कि वहां पे अब क्या रुख निकलता है, क्या हाईकमान के निर्देश देता है, ये सबसे देखने वाली बात है। लेकिन जो चलिए इंतजार करते हैं कि हरीश रावत से मुलाकात के बाद क्या होता है। अब सवाल ये है कि लगातार कैप्टन के खिलाफ बगावत का सिलसिला जारी है, आला कमान का इस पर क्या रुख होगा? हालांकि अभी कैप्टन नंबर्स के एतबार से अब भी कैप्टन मजबूत दिखाई दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।